हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन कॉमन बीमारियों की जो बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं और हिंदुस्तान में मौतों का कारण बनती है, जिनके बारे में हम बेसिक बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये बीमारियाँ होती क्या हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बीमारी आती है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ क्या होते हैं दोस्तों? वो बीमारियाँ जो आपके हार्ट या वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हो, जैसे हाइपरटेंशन या जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, या CADs जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ये क्या होती है? जैसे हार्ट अटैक होता है या MI होता है, तो उस समय जो आर्टरी ब्लॉक होती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज जो है उनको हम CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियाँ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कैटेगरीज में आती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है स्ट्रोक। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करता है। स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को जाती है, अगर वो या तो रिड्यूस हो जाए या इंटरप्ट हो जाए, तो उस कैटेगरी में ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है उसकी सेल्स डेड हो जाते हैं अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, और उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से या तो पैरालिसिस यानी कि हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया यानी कि पूरे शरीर का फालिज हो जाना, आधे शरीर का फालिज हो जाना, या किसी एक हाथ का काम ना करना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, उस तरह के जो लक्षण है वो स्ट्रोक के बाद आते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आती हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी कि जो लंग से रिलेटेड डिजीजेस हैं, जो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं, जिसमें बहुत कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, COPDs हैं जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, प्लूरल इफ्यूज़न है जिसको फेफड़ों के चारों तरफ पानी भरना कहते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत वास्ट हैं क्योंकि अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे जो चार तरह की मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे टाइफाइड होता है, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। तो जो बीमारियां बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आती है उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? आजकल बहुत नाम आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस का, तो वायरस से होने वाली डिजीज़ को वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो जैसे कोरोना डिजीज़ हो गया, डेंगी फीवर हो गया, H1N1 हो गया, इन्फ्लुएंजाज हो गए बहुत सारे जो वायरस से होते हैं, हेपेटाइटिस के बहुत सारे इन्फेक्शन ABCDE जो होते हैं, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन वो सब वायरस से होते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम वायरल डिजीज़ की कैटेगरी पर रखते हैं। पैरासाइटल बीमारियां कौन सी होती हैं कि जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में होता है, जैसे वॉर्म्स हो जाते हैं पेट के अंदर, उसको हम पैरासाइटल डिजीज़ कहते हैं। मलेरिया भी एक एग्जांपल है, क्योंकि जो मच्छर काटता है वो एक पैरासाइट को छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है हमारे खून में, तो उससे मलेरिया बुखार होता है। या उसके अलावा कुछ और, जैसे लाइस हो जाते हैं सर में, ये भी एक पैरासाइट है। एक बीमारी और होती है, जब जो वॉर्म्स होते हैं पेट के अंदर उनके एग्स ब्रेन में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे एक सिस्ट बना लेते हैं जिसको न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कहते हैं। तो ये सब पैरासाइटल डिजीज़ होते हैं। फिर फंगल डिजीज़ की कैटेगरी आती है। फंगल डिजीज़ में बहुत सारे, जैसे आई के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन के तो बहुत सारे डिजीज़ हैं जो फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। टीनेल इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत कॉमन है, जिनको दाद कहते हैं हम। या उसके अलावा एक बीमारी होती है कैंडिडिएसिस। कैंडिडिएसिस मुंह का हो सकता है, गले का हो सकता है, खाने की नली यानी कि इसोफेगस का हो सकता है, वजाइनल कैंडिडिएसिस होता है। तो ये सब फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट बीमारी की कैटेगरी है दोस्तों, वो है जो बहुत कॉमन है आज के माहौल में, और जो हमारे ऊपर प्रेशर है, अलग अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, वर्क प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको हम आगे कभी इन डिटेल कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ तीन तरह की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है या तो बहुत कम हो जाता है या बनना बंद हो जाता है, और ये ऑटोइम्यून या जेनेटिक हो सकती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि एज के बाद जब हम उतना कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बहुत कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट और कार्बोहाइड्रेटेड डाइट हम ज़्यादा लेते हैं, और हमारा वर्कआउट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो शुगर कंटिन्यूस बढ़ती जाती है, तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटस कहते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और ये जनरली 40-45 या थोड़ी एज के बाद ही शुरू होती है। जो तीसरा है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं दोस्तों, ये होती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, तो उस समय जो है कुछ
कुछ पेशेंट्स में ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। उसके बाद एक बहुत कॉमन ओल्ड एज डिजीज़ है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं या भूलने की बीमारी कहते हैं, डिमेंशिया जिसको कहते हैं। तो इसमें एक तरह का प्रोटीन है वो बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद कुछ 60+ 60s में लोगों को ये बीमारी शुरू होने लगती है। हम बात करते हैं मलेरिया की। हालांकि मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है लेकिन ये बहुत ही डेडली है, इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं हिंदुस्तान में। मलेरियल फीवर जो है उसमें अगर ट्रीट ना हो टाइम पे तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन में जाके और कई बार कॉज बनता है डेथ का। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डायरियल डिजीज़ की। हालांकि डायरियल डिजीज़ भी इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है जिसको AGE के नाम से जाते हैं, या जैसे कॉलरा होता है जिसको हम, कॉलरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जिसमें मरीज़ के अंदर पानी की कमी हो जाती है या फ्लूड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और मरीज़ हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, और अगर जल्दी टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो मरीज़ की डेथ हो जाती है। उसके हम बात करते हैं ट्यूमर्स की। ट्यूमर्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स, एक होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसर वाले ट्यूमर्स नहीं होते, या जो ये गांठें हैं वो कैंसर वाली गांठें नहीं होती, जैसे फाइब्रोएडिनोमास हो गया, एडिनोमास हो गए, और इनको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स हैं वो हमेशा ख़तरनाक होते हैं और इसमें डेथ्स या मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि अभी एडवांस ट्रीटमेंट आ गए, अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाता है कैंसर का तो ट्रीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट वन दोस्तों, एक्सीडेंटल डिजीज़। एक्सीडेंटल डिजीज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो RTAs होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उससे जो डिजीज़ निकल के आती है, यानी कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई हेड इंजरी हो जाती है तो हेड इंजरी हमेशा बड़ी ख़तरनाक होती है आउटकम के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो हेड इंजरीज़ की वजह से होती हैं या ब्लड लॉस की वजह से होती हैं। और हेड इंजरीज़ का एक और बड़ा दुखद पहलू है कि जो ADLs हैं यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स हैं, वो कई बार मरीज़ नहीं कर पाता क्योंकि हमें नहीं पता ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ होता है और उसको कितनी डिसेबिलिटी हुई होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है डेथ्स का और डिसेबिलिटीज़ का। और इसके अलावा फ्रैक्चर्स भी बड़े कॉमन हैं एक्सीडेंट्स में, तो फ्रैक्चर्स की वजह से भी मरीज़ महीनों महीनों बिस्तर पर रहता है। और अगर ये फ्रैक्चर स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ हो, जो हमारा बैकबोन है उसका अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर लोअर लिम्स का पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। और अगर वो फ्रैक्चर ये सर्वाइकल रीजन का है तो हाथों का पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये वो बीमारियां थी दोस्तों जो बहुत कॉमन है, बहुत ख़तरनाक हैं और जिससे बहुत सारी जाने जाती हैं। तो दोस्तों, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा एक एक करके, जिसपे एक वीडियो में एक डिजीज़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।